गुड मॉर्निंग क्लास एट, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर डूइंग वेल। सो इन द प्रीवियस क्लास वी वर डूइंग चैप्टर 9 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और हमने ये जाना था कि जो राइटर हैं उन्होंने क्या देखा। जो अर्नेस्ट था, लिटिल बॉय, ही सॉ द ग्रेट स्टोन फेस रिजेम्बल मैन। क्या नाम था उसका? गैदर गोल्ड। और वो आ रहा था उनके सामने। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। वो एक कैरिज में बैठकर आ रहे थे एंड फ्रॉम अ विंडो दे सॉ द फेस ऑफ दैट मैन गैदर गोल्ड। और उन्हें ये पता चला कि ही वॉज अ वेरी वीक और इस तरीके का व्यक्ति था जिसका चेहरा क्या हो गया था, पेल था। हिज फेस वॉज वेरी पेल। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस साउटेड द पीपल। कि ये जो सामने जो चेहरा है, वो जो जो सामने हमारे सामने इतना बड़ा विशाल जो पहाड़ खड़ा है, उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब क्या हो गया? इमेज है, रिफ्लेक्शन है एकदम। कि उसका एकदम ऐसा लग रहा है जैसे उसी का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन है एकदम। शाउटेड द पीपल, पीपल चिल्लाने लगे, लोग चिल्लाने लगे। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी, ही प्रोफेसी इज ट्रू। श्योर इनफ, निश्चित ही, पुरानी भविष्यवाणी क्या थी? सही थी। प्रोफेसी इज भविष्यवाणी। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट। और आखिरकार हमारे पास वो महान व्यक्ति हमारे सामने है। जो महान व्यक्ति था जिसका चेहरा पहाड़ से मिलता हुआ होगा, वो आज हमारे सामने है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, they seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of। और अर्नेस्ट को जिस विचार ने बहुत अत्यधिक उलझन में डाल दिया ना, जिसमें वो एकदम परेशान हो गया, वो ये था कि लोग सचमुच विश्वास करने लगे थे कि ये वही समानताएं हैं या फिर जिसकी वे बातें करते थे। मतलब उन्हें उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से लोग कैसे बिलीव कर सकते हैं कि ये यही व्यक्ति है जिसके बारे में लोग सालों से बात करते आए हैं कि एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आएगा हु विल रिजेम्बल विद द ग्रेट स्टोन फेस, उसकी तरह उनका चेहरा मिलेगा। हाउ कुड पीपल बिलीव ऑन सच अ प्रोफेसी, या फिर हम कहेंगे इसको प्रेडिक्शन, राइट? ही टर्न्ड अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूडनेस। रिंकल्ड इज लाइन्स हो जाती है जब हम एजेड हो जाते हैं, तो रिंकल्ड फेस हो जाता है हमारा। श्रूडनेस यानी कनिंगनेस, चालाकी। और ऑफ द अनप्लीजेंट फेस, उन्होंने वह उसने बेरुखे चेहरे की तरफ देखा जिसके ऊपर चालाकी बहुत अच्छे से झलक रही थी। एंड गेज्ड अप द वैली, उसकी तरफ से ध्यान हटाते हुए उसने दोबारा वैली की तरफ देखा, घाटी की तरफ देखा। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से ही विल कम, और जहां जो चेहरा था स्टोन फेस का, वो कहता हुआ प्रतीत हो रहा था कि वह आएगा। कौन आएगा? फियर नॉट अर्नेस्ट द मैन विल कम। तो अर्नेस्ट को ऐसा लग रहा था कि जो पहाड़ है जिसका फेस उससे मिलता जुलता है, वो पहाड़ ही उसे कह रहा है कि अर्नेस्ट डरो मत, एक दिन वो महान व्यक्ति जरूर आएगा। द इयर्स वेंट ऑन एंड द अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन। अब साल साल बीतते गए और अर्नेस्ट क्या बन गया? एक ही ग्रू इन टू अ यंग मैन। ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली। इनहेबिटेंट्स होते हैं घाटी के जो निवासी थे, जो लोकल जो लोग थे, उनका उस पर कोई ध्यान नहीं देते थे। मतलब कुछ लोग उसके ऊपर ध्यान देते थे। दे सॉ नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, उन्हें उसकी जो लाइफ थी रिमार्केबल, उल्लेखनीय, ऐसा कुछ स्पेशल लगता नहीं था अर्नेस्ट की लाइफ में। एक्सेप्ट दैट एक दिन व्हेन द लेबर ऑफ द डे वॉज ओवर, जब पूरे दिन का कठोर परिश्रम खत्म हो गया, ही स्टिल लव टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। वो अभी भी जो ग्रेट स्टोन फेस था उसको गेज करना, उसको देखना पसंद करते थे। यूजुअली जो हमारी जो बचपन की जो हैबिट्स होती है वो आगे तक चलती जाती है, तो उसको भी ये एक शौक था देखना, तो वो उसे ही वॉज गेजिंग एट दैट। देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फोली बट पार्डनेबल बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस काइंडली एंड नेबरली। उनके मन में जो विचार योग्य था ना कि ये एकदम पार्डनेबल नादानी थी, और बिकॉज अर्नेस्ट क्या था, बहुत ही मेहनती था, इंडस्ट्रियस मेहनती,
काइंड इज दयालु एंड नेबरली, मतलब पड़ोसी धर्म को मानने वाला, मतलब पड़ोसियों से ही वॉज नाइसली इंटरेक्टिंग विद द पीपल हु लिव इन हिज बिसाइड हर हिज हाउस, जो भी उसके पास रहते थे उनसे वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली था. They did not know that Great Stone Face had become teacher to him. और उसे वे ये नहीं जानते कि जो महान Great Stone Face है ना, ये उसका क्या बन गया है, teacher बन गया है. And that sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart. और जो इसमें जितने भी भाव जो भी आ रहे हैं ना अर्नेस्ट के अंदर, जितने भी वो भाव प्रकट कर रहा है, ये सब पहाड़ की वजह से ही है. Now, we are left and fill it with deeper sympathies than other hearts. और दूसरों की अपेक्षा अधिक सहानुभूति से भरा है, क्योंकि अर्नेस्ट को लाइफ की चीजें सिखाने वाला कोई नहीं था. उसने बस वैली की तरफ देख देख कर जो भी सीखा वो वैली की तरफ देख कर ही अपने आप उसने ग्रास्प की है चीजें, ग्रास्प करी है सारी चीजें. They did not know that from this would come a better wisdom that could be learned from the books. जो मैंने अभी आपको कहा कि उन्हें ये नहीं पता था कि जो किताबों के ज्ञान से जो practical knowledge होती है, जो हम day to day life में सीखते हैं, that is more beneficial for us in our life rather than our having the knowledge from the books. Books की knowledge से, किताबी कीड़े बनने से better है कि हम जो practically देखते हैं उनसे जो सीखते हैं वही wisdom या वही knowledge सबसे best है. Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally, और Ernest को भी ये नहीं पता था कि जो उसके दिमाग में जो विचार आते हैं naturally in the fields at the fireside, या तो खेतों में या fireside में, कहीं भी उसके दिमाग में जो thoughts आते हैं were of higher tone than those which all men shared with him. मतलब उसके जो ideas वो एक next level के होते थे, no ordinary man तो उनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते हैं. A simple soul, एक simple सी आत्मा, simple as when his mother first told him the old story, उसी तरीके से उसकी मन आज भी पवित्र है जितना उसका जब उसकी mother ने उसको first time she told her him that story. He beheld the marvelous face looking down the valley, और हमेशा अपना wonderful, full of pride, marvelous मतलब wonderful और full of pride face, मतलब गर्व से देखता हुआ, हमेशा ऊंचे देखता हुआ जो चेहरा था, and still wonder, हमेशा वो यही सोचता रहता था why its human likeness was so long in coming. मतलब ये जो human की जो likeness है, पसंद करने की जो चीजें हैं, समानता वाली जो आदतें हैं, उस व्यक्ति में इतना आने में देर क्यों है, क्योंकि उसे तो ये लगा था ना कि वैली उसे बता रही कि अभी वो व्यक्ति नहीं आया है, but people are believing that the Gathergold was that person. By this time, poor Mr. Gathergold was dead and buried. और इस टाइम तक जब Ernest बड़ा हो गया था, Gathergold की डेथ हो चुकी थी और उन्हें बरी कर दिया था. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. और उनकी जो दौलत, जो उनकी अस्तित्व की निशानी थी, दौलत थी, शरीर और आत्मा, जब सब कुछ उनकी दौलत ही थी, वो उनके मृत्यु से पहले ही क्या हो गई थी, it all vanished, सब गायब हो गई थी. Since the melting away of his gold, जैसे जैसे उनका जो गोल्ड बर्बाद होता गया, it had been generally agreed that there were no great likeness, उन्हें ऐसा जैसे जैसे उनकी एक सेकेंड, after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain, इस लाइन में ये कहा गया है कि जैसे जैसे उनका जो पैसा समाप्त होता गया, बर्बाद होता गया, तो लोगों को ये भी बिलीव होने लग गया कि जो पहाड़ है, जो वैली है या प्रस्तर है, उसके अंदर और द मर्चेंट, रुइंड मर्चेंट, एक बार बर्बाद हुए मर्चेंट व्यापारी के अंदर कोई भी रिजेम्बलेंस नहीं है. मतलब ये वो नोबल मैन, ग्रेट मैन नहीं है, क्योंकि इसकी तो अस्तित्व क्या था, उनका एग्जिस्टेंस इज ऑल ऑफ हिज मनी वेल्थ, उसके कारण ही था. इट सो हैपेंड दैट अनदर सन ऑफ द वैली हैड बिकेम अ सोल्जर्स मेनी इयर्स बिफोर, ऐसा हुआ कि घाटी का एक अन्य बेटा भी क्या बन गया, आगे जाकर सोल्जर बन गया. After a great deal of hard fighting, बहुत ही ज्यादा hard fighting के बाद, he has now become a famous commander. बहुत ही ज्यादा अपने आप को, मतलब आर्मी में जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, तो उसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी ग्रोथ करी एंड ही बिकेम अ फेमस कमांडर. ही वॉज नोन एंड द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर,
और उन्हें वहां पर जो बैटल फील्ड थी, रणभूमि थी, वहां पर ब्लड यानी खून और थंडर क्या होती, गर्जना, उसके नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, बूढ़ा और थके हुए होने के बाद, ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। अब उन्होंने ये इच्छा जताई कि अब मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, आई वॉन्ट टू गो टू माई नेटिव वैली। द इनहेबिटेंट्स, जो वहां के लोग थे, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। और लोग वहां के जितने भी इनहेबिटेंट्स थे, लोग थे, उनके पुराने नेबर थे, सब लोग उनके स्वागत की तैयारियां करने लगे। It is being said that at last the likeness of the great stone face has actually appeared. अब फिर से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो बहान प्रस्तर है उसके जैसा व्यक्ति फाइनली अपियर होने वाला है यहाँ। Therefore was the excitement throughout the valley. इसीलिए जो वैली थी, घाटी थी, वहां पर एक्साइटमेंट था बहुत ही ज्यादा। And many people who had never thought of glancing at the great stone face now spend much time in gazing at it. अब जो लोग ने कभी वैली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा ना कि कैसा है इसका चेहरा, अब उसको देखने के लिए घंटों स्पेंड करते रहते थे, देखते रहते थे, फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जर्नल ब्लड एंड थंडर लुक। और इसी क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि जो थंडर एंड ब्लड कमांडर है वो दिखते कैसे, अब कैसे दिखते हैं। अब ये कहा जा रहा था, उन्होंने वापस प्रोफेसी पे बिलीव कर लिया कि जो आ रहे हैं कमांडर, वो ही जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका चेहरा उनका रिजेंबल करता है। सो आज हम यहीं तक करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू दी हार्ड वर्क्स एंड द क्वेश्चंस गिवन बाय मी। थैंक यू।